जम्मू में जवान की गोली लगने से मौत के बाद शव को मध्य प्रदेश के भिंड जिला लाया गया। आपको बता दें कि जवान श्याम सिंह राजावत निवासी दुर्गानगर की विगत दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से जम्मू के अखनूर में मौत हो गई थी। शव के भिंड पहुंचने पर परिजन आक्रोशित हो उठे और उन्होंने देहात थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर औद्योगिक विभाग के सामने चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक जवान द्वारा आत्महत्या करने की बात सामने आई है, जिसको परिजनों ने नकारते हुए जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जो कि माहौल शांत कराने में जुटे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश द्विवेदी भिंड से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वहाँ के जो कि इनके साथ में जो सेना के लोग आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि इन्होंने आत्महत्या की है, इसी के चक्कर में यहाँ पर परिजनों ने चक्का जाम किया। भिंड कलेक्ट्रेट लाहौर चौराहे परिजनों ने सेना पे ही आरोप लगाए हैं कि ये है ना एक तरीके से आत्महत्या नहीं है, और परिजनों का ये भी कहना है कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अभी सेना पुलिस मान नहीं रही है और ये कह रहे हैं कि उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं। इसी चक्कर में वहाँ पर लोगों ने लाहौर रोड पर चक्का जाम किया है। मौके पर अभी भिंड के नरेंद्र विधायक भी वहाँ पर और पहुंच चुके हैं। प्रशासन अधिकारी का भी कोई कहना नहीं है। प्रशासन अधिकारी वहाँ पर जो भी है ना उधम की स्थिति बन रही है, लोग काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं तो उसको है ना शांत कर रहे हैं। हालांकि अभी वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग भिंड के इकट्ठे हो चुके हैं लाहौर चौराहे कलेक्ट्रेट पर। अंतिम संस्कार का भी कोई जानकारी नहीं है। जब तक है ना परिजनों को कहना है कि हमारे जो श्याम सिंह है उसको है ना शहीद का दर्जा नहीं देंगे, तब तक वहाँ पर वो लोग बैठे रहेंगे और इसी तरीके से चक्का जाम करेंगे।